सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के मेरठ में 11 से 13 मार्च तक आयुर्वेद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होगा। पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम योगी पीटीएस में धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता मेरठ से राजन सोनकर हमसे जुड़ेंगे। राजन, सीएम योगी का आज मेरठ दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 10:30 बजे मेरठ में शिरकत करेंगे। और सीसीएस यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय आयुर्वेदिक सम्मेलन है, जो महासम्मेलन है, जिसमें आयुर्वेद चार्य 300 से ज्यादा आयुर्वेद चार्य जुटेंगे और बताया जा रहा है कई छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल होंगे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार की योजना है और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए ये जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। ये साल में 5 जगह कैंप लगाए जाने थे, ये चौथा कैंप है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगाया जा रहा है। 10:30 बजे मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। ये 3 दिन यहाँ चलेगा, 11, 12 और 13। ये 13 मार्च को इसका समापन होना है। वहीं 1:30 बजे की बात करें तो 1:30 बजे शहीद धन सिंह कोतवाल, जो 1857 की क्रांतिकारी भूमिका निभा चुके हैं, धन सिंह कोतवाल यहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा। और उसके बाद में तीनों के तीनों मुख्य अतिथि यहाँ से लखनऊ के लिए और अपने अपने स्थानों के लिए रवाना होंगे। मयूरी जी, राजन, ये जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसके लिए तैयारियां कैसी देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम स्थल का जायजा ले लिया गया है और कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम रूप पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो हर चौराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे सख्त इंतजाम है। ड्रोन से जगह जगह की निगरानी की जा रही है और मीडिया के लिए जो एंट्री गेट बनाया गया है, बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं होगी। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप जी आ रहे हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी आ रहे हैं। तो कार्यक्रम स्थलों का मेरठ के पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया है और अंतिम रूम पर है। बताया जा रहा है कि 10:30 बजे तीनों के तीनों मुख्य अतिथि मेरठ में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। मयूरी जी, राजन, देखा जाए तो सीएम योगी आज मेरठ आ रहे हैं, तो क्या मेरठ की जनता को कोई सौगात मिल सकती है? बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जनता को सौगात देने वाली बात भी होगी। अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो देखना यह भी होगा कि जनता के लिए क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ उनके स्पीच रहेगी, क्या कुछ उनके भाषण रहेंगे। उस भाषण के दौरान वो मेरठ की जनता को क्या कुछ सौगात देने वाले हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक फिलहाल आयुर्वेद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि 800 से ज्यादा यहाँ योगाचार्य आएंगे, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो लोगों को निशुल्क कैंप के जरिए दवाइयां भी वितरण करेंगे और आयुर्वेद के जरिए उनका चेकअप भी होगा। मयूरी जी, धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को 2 दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंचेंगी, जहां स्मृति ईरानी करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगी। इस दौरान वह मुख्यालय गौरीगंज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लेंगी। साथ ही स्मृति ईरानी हाल ही में दिवंगत हुए लोगों के परिवारों से मिलकर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगी। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष एवं सपा विधायक के यहां वैवाहिक कार्यक्रमों के बाद वर वधू को आशीर्वाद भी देंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और लोगों से मुलाकात भी करेंगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमसे जुड़ेंगे। वीरेंद्र, स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा?
जैसे स्मृति ईरानी का एक दो दिवसीय दौरा है, तो वहीं अमेठी की जनता को बारी सौगात करोड़ों की सौगात देने वाली है। और अगर देखा जाए तो त्रिपाठी के यहाँ बरबधु को आशीर्वाद देने के को लेकर हो, उसके बाद सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह विधायक के यहाँ जाएंगी, उनके उनके यहाँ शादी समारोह था, उनके यहाँ भी बरबधु को आशीर्वाद देंगी, और उसके बाद पूर्व विधायक दादा तेज भान के यहाँ जो उनकी बहू का अंतिम संस्कार हुआ था उनके यहाँ जाके उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगी। अगर बात की जाए जो अमेठी डबल मर्डर हत्याकांड के, तो जो हुए थे उनके यहाँ भी मुसाफिर खाना दादरे में जाएंगी और उनके यहाँ संवेदनाएं व्यक्त करेंगी। जी वीरेंद्र, कहा जा रहा है स्मृति ईरानी करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगी, तो क्या कुछ सौगात दे सकती है अमेठी की जनता को? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से अमेठी की जनता को सौगात देने की बात कह रही है, और आज कहीं ना कहीं जो सूत्रों की माने तो खबर निकल के आ रही कि उनको विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। जो उन्होंने कहा था, वादा किया था कि 14 रुपए किलो चीनी अमेठी की जनता को मिलेगी, वो कहीं ना कहीं उसका भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। और अमेठी की जनता को जो हर बार आती है और सौगात दे के जाती है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अमेठी की जनता के लिए बहुत बड़ा एक अहम भूमिका रहता है, अमेठी की जनता उनके जो करोड़ों की सौगात होती है उससे एक उनके चेहरे पे खुशी जाहिर साफ दिखाई देती है। वीरेंद्र, स्मृति ईरानी के साथ कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से खबर निकल के आई कि विरोध का काला झंडा या जो अन्य प्रकार की जो उपद्री है वो ऐसे कर सकते हैं, तो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हर थाने की फोर्स लगी हुई है, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, और उनकी सुरक्षा को लेकर एकदम हाई अमेठी जनपद के इलामरन SP कप्तान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी पाए, और हर थाने की फोर्स एकदम बाकायदा लगी हुई है, और कहीं ना कहीं वो सुरक्षित एकदम सुरक्षित वो अपने को महसूस करेंगी। जी धन्यवाद वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।